तो इस वक्त जहां पुलवामा हमले को लेकर देश उबल रहा है, वहीं सेना अपने जवानों का मनोबल भी बढ़ा रही है। महाराष्ट्र के पुणे में सेना ने आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने वाले अपने जावाज सैनिकों को सम्मानित किया। ये रिपोर्ट देखिए। ये वो हैं जो जगते हैं तो देश चैन की नींद सोता है। ये वो हैं जो देश की चलने वाली हर गोली को अपने सीने पर झेलते हैं। ये वो हैं जो देश के दुश्मनों और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। ये वो हैं जो हर कीमत पर अद्भुत वीरता, अदम्य साहस दिखाते हुए देश के लिए अपना फर्ज निभाते हैं। ये हैं हिंदुस्तान की जाबाज सेना के जवान और ये तस्वीरें इन्हीं जवानों के सम्मान की हैं। पुणे में देश के प्रहरियों की वीरता को सलाम किया गया, उनके साहस और शौर्य का सम्मान किया गया। सेना के एक समारोह में अधिकारियों के साथ ही जवानों को सैन्य वीरता और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इस समारोह के चीफ गेस्ट सदर्न आर्मी कमांड लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी रहे। तकरीबन 40 जवानों को उनकी वीरता के लिए सेना मेडल और गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये वो जवान हैं जो अपनी परवाह किए बगैर मुश्किल हालात में जम्मू कश्मीर में आतंकियों से भिड़े और उन्हें धूल चटा दी। इस मौके पर चीफ गेस्ट ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद सेना के मनोबल पर कोई असर नहीं हुआ है। आर्मी का मोरल पुलवामा जैसी घटनाओं से कोई इफेक्ट नहीं होता उस पर, और आर्मी का मोरल हमेशा ऊंचा रहता है। दो जवानों सावन माने और नायक संदीप सरजेराव जाधव को मरणोपरांत सेना के गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया गया। सदर्न आर्मी कमांड लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी ने जवानों को सम्मानित करने के बाद शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को सांत्वना दी और कहा कि सेना और देश हमेशा उनके साथ रहेगा। आतंकियों के साथ सेना की लड़ाई कोई सीधी जंग नहीं है, बल्कि सेना पर थोपी गई जंग है। और आज जब जवानों को सम्मानित किया जा रहा था तो महसूस हुआ कि सेना आतंकियों की हर कार्रवाई का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, पुणे।